Good morning, the students of class 8. Myself Adi sir. Today we have to discuss in the last part in this this chapter, the second chapter, microorganism, friend or poka. Last articles we have discussed karenge aaj, why nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल है क्या, कितना परसेंटेज नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर पे है और किस तरह जो एयर का नाइट्रोजन सॉइल तक कंपाउंड नाइट्रोजन के रूप में आते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे. तो लेट्स सी द बुक. आवर एटमॉस्फेयर कंटेन अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन. ये पता है सबको 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है. विच एग्जिस्ट इन मॉलिकुलर फॉर्म एज N2 का फॉर्म पे हम लोग जानते हैं इसको, जो मॉलिकुलर फॉर्मूला इसका N2 हो गया. नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. पता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी जरूरतमंद है गैस. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड मेनी अदर कॉम्पाउंड. द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैनॉट बी यूज इन इट्स इन एलिमेंटल फॉर्म डायरेक्टली बाई प्लांट एंड एनिमल. प्लांट और एनिमल इसको डायरेक्ट एयर से इंटेक नहीं कर सकता, उस तरह का जो सिस्टम है कोई ऑर्गन है नहीं जो डायरेक्ट उसको इंटेक करे. तो फिर हम कैसे इसको आएगा इन प्लांट का बॉडी में और एनिमल का बॉडी में. इट हैज़ टू बी कॉन्वर्टेड. कॉन्वर्ट होता है किस तरह, इन टू कॉम्पाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो नाइट्रेट्स के रूप में है, उसमें कॉम्पाउंड में इसका कॉन्वर्ट हो जाता है. तो कॉन्टेन बैक्टीरिया सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल डू दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्वर्सन. ये जो कॉन्वर्सन हो रहा है एयर का नाइट्रोजन कॉम्पाउंड नाइट्रोजन या नाइट्रेट्स का रूप में कॉन्वर्ट हो गया, किसने मदद किया, कुछ बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये इसको कॉन्वर्ट करने में मदद किया. वंस नाइट्रोजन इज कॉन्वर्टेड इंटू यूजल इट कैन बी टेकन आप बाई प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल से ले सकता है, प्लांट सॉइल से ले सकता है जो दिया रूट सिस्टम से. रूट सिस्टम से वो जैसे रूट में कुछ जैसे हम बेंगल ग्राम हो गया, पी हो गया, इसका जो रूट में लेगोमिनियस प्लांट जो भी है इसका रूट में जो बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम नाम का, वो उसको कलेक्ट करता है, सॉइल में मिक्सअप कर देता है नाइट्रोजन को, रूट सिस्टम से वो प्लांट के ऊपर चले आते हैं, प्लांट के पत्ते तक आ जाते, बॉडी पे आ जाते. देन दिस कंपाउंड आर यूज्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट का सिंथेसाइज हो जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी चलता है. एनिमल्स इन टर्न गेट दिस प्रोटीन फ्रॉम द प्लांट ऑन व्हिच दे फीड. एनिमल को कैसे मिलेगा, वो प्लांट को जब एनिमल इंटेक करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो एनिमल के अंदर भी वो नाइट्रोजन का पूर्ति हो जाएगा. हम लोग कुछ कुछ जो पढ़े थे जो नाइट्रोजन का कमी जनरली ऐसा प्लांट्स का होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा प्लांट्स है जो क्लास 7 में हम लोग डिस्कस किए थे इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में, जिसका जिस जमीन पे वो इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे पीचर प्लांट, वेनस प्लांट ट्रैप हो गया, ड्रोसेरा हो गया, सैंडी हो गया, जिस मिट्टी पे होता है उगता है उस मिट्टी में नाइट्रोजन की परसेंटेज कम होने के कारण वो कीड़े मकोड़े को इंसेक्ट को इसमें कंज्यूम कर जाते. तो दैट इज़ द इंसेक्टिवोरस प्लांट का पार्ट था, हम लोग डिस्कस और आगे बढ़ा रहे. इट हैज़ टू बी चेंज टू नाइट्रेट्स बिफोर इट कैन बी यूज बाय प्लांट. प्लांट जो नाइट्रोजन को कैप्चर कर रहा है, यूज़ कर रहा है, वो पहले नाइट्रेट्स में मतलब कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, इसके बाद उसको प्लांट नहीं यूज़ कर पाता. प्लांट्स कैन यूज़ द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स टू मेक प्रोटीन एंड एनिमल गेट देयर नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट. प्लांट से एनिमल ले लेंगे, तो प्लांट पहले नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन को कलेक्ट करेगा, अपने प्रोटीन सिंथेसिस कर लेंगे, इसके बाद एनिमल जब उस प्लांट को कंज्यूम करेंगे तो एनिमल के अंदर वो आ जाएंगे, प्लांट प्रोटीन आ जाएंगे. व्हेन दे ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट को जब एनिमल ईट करेंगे खाएंगे तो एनिमल के अंदर भी नाइट्रोजन आ जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा. बट हाउ इज नाइट्रोजन गैस चेंज इनटू नाइट्रेट्स, दैट इज द क्वेश्चन. किस तरह नाइट्रोजन गैस जो एयर में 78% है ये नाइट्रेट्स में किस तरह चेंज हो रहा है, कैसे कॉन्वर्सन हो रहा है, वी अंडरस्टैंड इट बाई लुकिंग एट द डायग्राम. एक राइट साइड पेज में नेक्स्ट पेज में डायग्राम है, उसको हम लोग देखेंगे.
पॉइंट वाइज पहले पढ़ते हैं हम लोग डीके बैक्टीरिया, ये मदद करते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन डेड रिमेन एंड एनिमल वेस्टेज जो भी है, रिलीजिंग अमोनियम कंपाउंड से रिलीज करती है इनटू द सॉइल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, ये प्रोसेस है अमोनिफिकेशन प्रोसेस में अमोनिया कंपाउंड वो उसका रिलीज होता है वो एनिमल वेस्टेज से डेड पार्ट से। तो इसका फ्लो चार्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या है, फ्लो चार्ट में आप देखो इसको नाइट्रोजन साइकिल में ऊपर जो है नाइट्रोजन इन ईयर 78% है, ठीक है। इसमें कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल में कैसे आएगा, ये नाइट्रोजन जो ईयर पे है, एक तो आप राइट साइड से फॉलो करो एज ए फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं हम लोग जमीन में एज ए खाद ही बोलो उसको, मैनुअली फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होते फॉस्फेट नाइट्रोजन ग्रुप होते वो मिट्टी में देते ही वो सॉइल में गया। दूसरा होता है लाइटनिंग, जो बिजली करते नाइट्रोजन लाइटनिंग होता है उसमें भी नाइट्रोजन कैप्चर होता है सॉइल में। तीसरा क्या है, किस तरह होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन, जो जो उस बोले अभी लेगोमिनियस प्लांट की बात कर रहे थे, लेगोमिनियस प्लांट का रूट में जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं वो नाइट्रोजन को कैप्चर करते एयर से और उस मिट्टी में मिक्सअप कर देते तो मिट्टी में कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सॉइल सॉइल में हो जाता है। फिर लेफ्ट साइड पे आप आ जाओ, एकदम लेफ्ट साइड से अगर देखोगे आप तो क्या एनिमल्स और ह्यूमंस के द्वारा भी इस तरह का संभव है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन एंड डेथ जो होता है, डेथ एक्सक्रिएटर से जो पार्ट है जो डेथ पार्ट है वो भी जमीन में मिक्सअप हो जाते हैं, इस तरह का जमीन में कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन आ जाते हैं। और फिर यहाँ से जो सॉइल से ये रिलीज होके कहाँ जाएगा, देखो आप टेकन बाय द प्लांट रूट, एरो लगा हुआ प्लांट का रूट के द्वारा वो प्लांट तक पहुँच जाते हैं। और दूसरा लेफ्ट साइड में एकदम है किस तरह बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन में, गैस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, ये गैस फिर से एयर में आ जाता है, फिर एयर में जाने के बाद 78% का पूर्ति हो जाता है। तो इस तरह जो साइकिल चल रहा है, जिस तरह एरो मार्क है उस तरह आपको फॉलोअप करना है, डायग्राम जो इस तरह ड्रॉ करना है इस तरह नाइट्रोजन साइकिल चलती है। तो अब सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, पहला था डीके बैक्टीरिया, अब आएंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया इन द सॉइल कैन चेंज अमोनिया इंटू नाइट्रेट, पहले में एक नंबर पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े, अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया रिलीज हो गया, अमोनिया रिलीज हुआ था अमोनिया कंपाउंड। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये अमोनिया जो था मिला वो नाइट्रेट्स में चेंज हो रहा है। अच्छा, अमोनिया इज अनदर केमिकल दैट कॉन्टेन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन रहता है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल वेस्ट एंड डेड रिमेन पे रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रीफिकेशन, आप स्टेप वाइज दिमाग पे रखना। तो पहला स्टेप क्या था, अमोनिफिकेशन, सेकेंड में क्या आ गया नाइट्रीफिकेशन, थर्ड क्या है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो प्लांट की बातें हम लोग कर रहे थे, एजोटोबैक्टर आ जाएगा, राइजोबियम आ जाएगा, देखते हैं बुक में। दिस बैक्टीरिया इसको हम लोग एजोटोबैक्टर नाम से जान रहे हैं, आर फाउंड इन द सॉइल, दे कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट टेक अप द नाइट्रेट्स विद देयर रूट के द्वारा खींचते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो राइजोबियम, देखो ब्रैकेट में लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को राइजोबियम बैक्टीरिया जानते हैं हम लोग, आर ऑल्सो फाउंड इन द रूट ऑफ लेगुमिनियस प्लांट लाइक पीस बीन्स क्लोवर बेंगल ग्राम जो भी है एग्जाम्पल हो गया। दिस बैक्टीरिया मेक लंप ऑन द रूट कॉल्ड रूट नोड्यूल्स के रूप में, गोल 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 दाना के रूप में वो रहता है, ये बैक्टीरिया रहते हैं रूट में राइजोबियम। दे कैन चेंज नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट्स दैट द लेगुमिनियस प्लांट कैन यूज, लेगुमिनियस प्लांट इसके यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है लाइटनिंग, द हाई टेम्परेचर ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज कॉजेज सम ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एयर, बिजली कड़कता है हाई टेम्परेचर भयंकर गर्मी हो तो हीट होता है प्रोडक्शन होता है और उसके साथ क्या डिस्चार्ज होता है कुछ नाइट्रोजन और कुछ ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड फॉर्म से एयर टू कंबाइन एंड फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन,
और नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेट करते हैं, N2O का फॉर्मेट होता है, वो हवा पे चला जाता है। तो दिस ऑक्साइड इज इन द रेन आर वर्स्ट इन टू द सॉयल एज एसिड रेन जिसको बोलते हैं। तो नाइट्रोजन का राइन होता है वेयर दे फॉर्म द नाइट्रस, जमीन पे नाइट्रस जाते। इस तरह हम लोग नाइट्रोजन साइकिल समझ गए। नाइट्रोजन साइकिल का जो फिगर डायग्राम है, जिस तरह का नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया उस तरह आपको ड्रॉ करना है, समझना है। तो आज यहीं तक, थैंक यू।